कैसे हो मिनी दीदी? बढ़िया। कैसी है मिनी? बढ़िया हूँ मैं, आओ। अरे ये क्या कर रहे थे आप? अरे आज मेड नहीं आई थी ना, तो फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, सफाइयाँ चल रही थी, गंदा हो रहा है। फिर तो हम सही है, फिर तो सही है, लेके आए तेरे लिए। क्या ये तेरा गिफ्ट है भाई? अरे वाह, ये तो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। हमें मालूम पड़ गया भाई तेरे को इसकी जरूरत है। नहीं एक्चुअली मेरी दीदी पहले भी कभी बोल रही थी कि जब हाउस हेल्पर नहीं आती तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। परेशानी सही बात है, थोड़ा बहुत तो होती ही है। तो अभी आप बैठो, पहले पानी पियो, फिर तब तक हम अपना गिफ्ट बॉक्स करेंगे, फिर बाद में। वैसे आप ये चीज मेरे लिए आप बढ़िया लाए हो, जब घर में मेड नहीं आए ना, हाउस हेल्पर वगैरह नहीं हो, सारा दिन मेरा सफाई में निकलता है। वो तो है ही। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तेरे लिए मैं ये लूँ, तो मैंने ये लिया। मैंने तेरे लिए आई लाइफ का A20 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। मैं झाड़ू लगा रही थी, अच्छे समय पे आए हो। इसी से लगा लेंगे, झाड़ू करवाएगी और देखेगी कि क्या क्या गंदगी है। सही बात है, सही बात है ना। चल सबसे पहले तो अनबॉक्स कर ले इसे। हाँ चलो। तो इसके अंदर हमें एक मैनुअल मिलता है मिनी। अच्छा। ठीक है, जिससे तुम इसके सारे फीचर्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जो जो है। इसके साथ में हमें एक हेपा फिल्टर मिलता है, ये स्पेयर होगा। अच्छा। और एक क्लीनिंग टूल, जो इसका क्लीनिंग ब्रश है, और ये हेयर्स वगैरह एंटेंगल हो जाते हैं ना, उसको हटाने के लिए। अच्छा। ये इसके रोटेटिंग ब्रश है। अच्छा। और ये इसका मॉप है। अच्छा। ये इस तरीके से निकल भी जाता है। अच्छा, तो धुल, और ये धुल जाएगा, और उसके बाद में फिर लगा लो तुम इसको। ठीक है, ठीक है, सुंदर लग रहा है। और इसके साथ आपको मेन यूनिट मिलता है एक, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी। इसमें तुम्हें एक चार्जिंग डॉक मिलता है, जो कि कहीं पे भी कॉर्नर में लगा दो, जहाँ पे तुम्हें चाहिए कि वो परमानेंटली जाके वहीं पे चार्ज हो जाए। ये इसका अडैप्टर पीछे ऐसे लग जाएगा, ये देखो ना। हाँ, ये पॉइंट देखो ये, और इसको साइड में हम कहीं पे भी सेटअप कर देंगे, जहाँ पे इजी अच्छा, हो, मतलब जहाँ से ये इजीली आ सके जा सके। और मिनी दीदी ये वैक्यूम क्लीनर ना बहुत ही लाइट वेट और इजी टू कैरी भी है, तो आपको ना रखने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट इसका साइज है, आप इसे कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो मिनी ये है आई लाइफ का A20 रोबोटिक क्लीनर, बहुत ही कमाल का डिवाइस है। मैं तुम्हें इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि रीमा ने पहले ही तुम्हें बता दिया कि तो ये बहुत कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, उठा के है ना, तो ये कैरी करने में भी इजी है, स्टोर करने में भी इजी। ये जो देख रही हो ये इसका लीडार है, मतलब इसका रेडार ट्रैकिंग के लिए जो काम में आता है। ठीक है, ये इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, ये इसका होम बटन है, और ये जो देख रही हो ना ये इसका बम्पर है। अच्छा, मतलब ये किसी से टकराएगा तो ये एकदम से वापस हो जाएगा। वैसे तो टकराएगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं जो इसको टकराने से बचाते हैं। इवन अगर आप स्टेयर्स के पास में जैसे ये जा रहा है तो ये स्टेयर्स से नीचे गिरेगा। तो ये इसका 360 डिग्री व्हील है जो इसको हर तरफ घूमने में हेल्प करता है। ये इसका रोलिंग ब्रश है ना, इसमें सारे हेयर वगैरह और जितनी भी डस्ट होती है वो इससे कलेक्ट हो जाता है। ये इसके व्हील है, जैसे ये किसी रफ सरफेस पे चलेगा तो ये आराम से उसको क्लाइम कर लेगा, जैसे कारपेट होता है या और चीजें होती है। ये इसका 2-in-1 क्लीनिंग टैंक है, इसमें आपकी डस्ट भी कलेक्ट होती है, प्लस इसमें मॉपिंग के लिए वाटर भी रहता है। वाटर कितनी कैपेसिटी रहती है इसमें? वाटर की कैपेसिटी इसमें 200 ml की है। अच्छा। डस्ट की कैपेसिटी है इसके अंदर 300 ml। और चार्जिंग वगैरह का क्या रहता है? चार्जिंग इसको फर्स्ट टाइम चार्ज करने के लिए तुम्हें 360 मिनट्स, मतलब लगभग 6 hours के करीब तुम्हें लगेगा। उसके बाद में ये 2 घंटे तक कंटिन्यूअस क्लीनिंग कर सकता है। इसकी एक आई लाइफ क्लीन ऐप करके है, वो इंस्टॉल करनी पड़ती है फोन पे। उससे क्या होता है, इसके और जो फीचर्स है वो अनलॉक हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका टैंक दिखा देता हूँ। ये जो देख रही हो ना, इसको प्रेस करो, ये इसका टैंक आ जाता है, तो ये क्लीन हो जाता होगा। ये इसका वाटर टैंक है, इधर आप पानी आप भर सकते हो इसमें। इसके अंदर ना कोई भी डिटर्जेंट या ये सब नहीं डालो, क्लीन वाटर डालो, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे जम जाता है। ये इसका हेपा फिल्टर है। ठीक है, ये स्पेयर में उसमें मिला है, प्लस ये इसका फोम फिल्टर है। अच्छा। और ये इसको ऐसे लगाना है, ऐसे लगा दो। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे लगा दो और ये बंद कर दो। मान लो इसका डस्ट कलेक्टर टैंक ना पूरा भर गया है, अब तुम्हें क्लीन करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ओपन करोगे, यहाँ पे सारी इसकी डस्ट कलेक्ट होती है, हेयर वगैरह हो गए, जैसे तुम्हारे पास कभी कभी मफिन भी आ जाता है, तो वो यहाँ से तुम लोगे और इसको क्लीन करके फिर से लगा दोगे। अब इसको लगा देते हैं, ये इस तरीके से ये लग जाएगा ऐसे।
रोटेटिंग ब्रश है वो ऐसे लगता है। अब मान लो तुमको इसका मॉपिंग वाला लगाना है, तो मॉपिंग वाला जो है वो भी लगाना बहुत इजी है। ये ऐसे लग गया इसका, है ना, ऐसे करके यहाँ पे फिक्स हो जाता है, खुल जाता है। हाँ, और ये वॉशेबल है, इसको ऐसे निकालो और इसको धो लो, क्लीन करके फिर से लगा दो। बताओ कहाँ पे सेटअप करो? यही पे कर दो ना। मेरी दीदी पता है अभी झाड़ू ही लगा रही थी, तो अब उनका काम आसान हो जाएगा इससे। सही बात है। शाम को आप डेली लगा लिया करो उसी से। मैं तो इसमें जैसे आप बता रहे हो ना ऐप के थ्रू होता है, तो उसमें टाइमर सेट कर दूं, अपने आप ही लगा लेगा। हाँ, और इसका बेस्ट बात पता है क्या है, ये मॉपिंग और साथ में डस्टिंग, मतलब जो क्लीनिंग होती है वो एक साथ करता है। ये देखो इसका ग्रीन बटन जल गया। मॉप इंस्टॉल्ड, स्टार्ट चार्जिंग। तो मिनी ये अभी तो चार्ज हो रहा है, तब तक मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसकी जो आई लाइफ क्लीन ऐप है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो तुम्हारे पास तो कौन सी एंड्रॉइड है, तो एंड्रॉइड में मिल जाएगा तुम्हें प्ले स्टोर पे। और मेरे पास है आईफोन, तो मेरे एप्पल स्टोर पे। तो गाइज मैंने एप्पल के ऐप स्टोर से आई लाइफ क्लीन ऐप डाउनलोड कर लिया है। इसे सेटअप करना बहुत ही इजी है। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे डिफरेंट परमिशंस पूछता है, जिसे आप अप्रूव करके ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर को फोन से कनेक्ट करने के लिए आपको होम एंड पावर बटन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करके पेयरिंग मोड में करना होता है। याद रखिए, इसे पेयर करने के लिए वाईफाई नेटवर्क 2.4 गीगाहर्ट्ज का ही होना चाहिए। ऐप में वैक्यूम क्लीनर सेटअप होने के बाद आपको एक ब्लैंक मैप दिखाई देगा। वो जैसे जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर घर को क्लीन करेगा, आपका मैप वो कंप्लीट होता जाएगा। इस ऐप के थ्रू आपके डिफरेंट ऑप्शंस भी अनलॉक हो जाते हैं, जैसे कि आप इसका सक्शन पावर कम और ज्यादा कर सकते हैं। पर्टिकुलर रूम को आपको सिलेक्ट करके क्लीनिंग करवानी है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक पर्टिकुलर मोड में आपको चलाना है, जैसे वाई मोड की क्लीनिंग करवानी है, आप वो भी कर सकते हैं। तो इस ऐप के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको डेली क्लीनिंग रूटीन में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसका बेस्ट फीचर ये है कि फर्स्ट टाइम जैसे तुम इसको सेटअप करोगे, तो इसका जो मैप फीचर है ना, वो मैप फीचर इसका एक्टिवेट होगा और ये ऑटोमेटिकली पूरे घर में घूम के अपनी लीडार टेक्नोलॉजी से ये पूरे घर का एक मैप बना देगा और वो रूम्स को सेग्रीगेट भी कर देगा। एक बार सेटअप कर दिया तुमने, उसके बाद मान लो तुम्हें एक पर्टिकुलर रूम की सफाई करना है, तो वहां पे उसको सिलेक्ट करो और क्लीन करो, तो वो वहां पे जाएगा, क्लीन करेगा और वापस आके अपने डॉग पे लग जाएगा। तो ये इसकी बेस्ट बात है। ये देख रही हो इसकी, ये एज टू एज क्लीनिंग करता है और जो ऑब्स्टिकल्स है ना उसको ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देता है। सबसे ज्यादा ना मुझे आई लाइफ के A20 का साइमल्टेनियस वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग फीचर पसंद है, जो कि आपकी क्लीनिंग रूटीन को सुपर इफेक्टिव बनाता है। इसमें एज मोड, पाथ और स्पॉट मोड जैसे अलग अलग मोड्स भी हैं, जो अलग अलग जरूरत के मुताबिक काम करते हैं। आई लाइफ क्लीन ऐप के थ्रू A20 को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप टास्क स्केड्यूल कर सकते हैं, सक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, मॉप का पानी कस्टमाइज भी कर सकते हैं और साथ में इसमें मल्टी मैप सेविंग का फीचर भी है। एलेक्सा और गूगल होम के साथ कंपेटेबल होने के साथ साथ ये वाईफाई को भी सपोर्ट करता है, जो स्मार्ट क्लीनिंग मैनेजमेंट को एफर्टलेस बनाता है। A20 अलग अलग सरफेस से गंदगी, धूल और पेट हेयर को निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा पता है इसकी जो सक्शन पावर है ना वो बहुत जबरदस्त है। इसकी सक्शन पावर 4000 PA है, मतलब एफर्टलेसली ये कारपेट को और कोई जमी हुई धूल हो ना उसको क्लीन कर देगा। इसका 2-in-1 फ्लोटिंग रोलर ब्रश एफर्टलेस अलग अलग फ्लोर टाइप पर नेविगेट करता है, जिससे क्लीनिंग हैसल फ्री हो जाती है और इसकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से ये लार्ज एरिया को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। ये अपने आप चार्ज पर भी चला जाता है और क्लीनिंग दोबारा ऑटो रिज्यूम भी कर लेता है। अरे वाह भाभी, इसने तो पूरा मेरा घर अच्छे से परफेक्टली क्लीन कर दिया है। सच्ची में देखो ना, कितना अच्छे से, पहले इसने साथ-साथ झाड़ू भी लगा रहा था, पोछा भी लगा रहा था। मेरी दीदी, आई लाइफ A20 खाली एक वैक्यूम क्लीनर नहीं है, बल्कि आपके घर के लिए एक स्मार्ट हेल्पर भी है। बिल्कुल, वो तो देख ही रहा है कितना अच्छा सफाई कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो गाइस सबसे पहले तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए। और इसके अलावा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिसके भी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ये लीजिए आपका गिफ्ट और मैं पूरे घर की सफाई करूंगी इसे।